का दृष्टिकोण हम सबके सामने है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित जी शाह, हमारी भारत सरकार की विदेश मंत्री बहन सुषमा जी, भारत सरकार के वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जेटली जी, श्रीमान थावरचंद जी गहलोत, भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री और हमारे अखिल भारतीय संगठन मंत्री श्रीमान रामलाल जी, इस कार्यक्रम में मौजूद सभी सम्मानित देवियों एवं सज्जनों और हमारे सभी सम्मानित पत्रकार मित्रों, अभी अभी आपके समक्ष संकल्प पत्र हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और आदरणीय अध्यक्ष जी के द्वारा विमोचित हुआ है। यह संकल्प पत्र कैसे तैयार हुआ है, इसके संबंध में बहुत ही संक्षिप्त में आप सबको मैं जानकारी देना चाहूंगा। 2009 लोकसभा चुनाव के लिए यह संकल्प पत्र बनाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और मेरे साथ 12 लोगों को भी उसमें नामित किया था और संकल्प पत्र को मल्टी डायमेंशनल बनाने के लिए 12 श्रेणियों में भी उसे विभाजित किया था। इतना ही नहीं बल्कि हर विषय के लिए एक अलग से सब कमेटी भी उन्होंने बनाई थी। इन सारी कमेटी और सब कमेटी ने अपने अपने विषयों पर बहुत ही व्यापक विचार किया है, गंभीरतापूर्वक विचार किया है, जिसके फलस्वरूप आज यह संकल्प पत्र एक विजनरी और वेरी प्रैक्टिकल दस्तावेज बन पाया है, जिसे आप सबके समक्ष आज प्रस्तुत किया गया है। मित्रों, इस संकल्प पत्र के माध्यम से हम नए भारत के निर्माण में 130 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं को विजन डॉक्यूमेंट के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। यह संकल्प पत्र आपके बीच रखते हुए मुझे संतोष की अनुभूति नहीं हो रही है बल्कि गौरव की भी अनुभूति हो रही है कि हमारे संकल्पों में करोड़ों देशवासियों की सहभागिता का भी पूरी तरह से समावेश है। भारत के मन की बात, जिसकी चर्चा भी भूपेंद्र जी यादव ने की है, के माध्यम से देश के सभी क्षेत्रों, सभी वर्गों और सभी समुदायों के साथ विस्तृत एवं व्यापक संवाद के बाद अपने दृष्टिकोण का यह दस्तावेज आज हम लोगों ने देश के सामने रखा है। इस दस्तावेज में जितने भी हमने संकल्प दर्ज किए हैं उसके माध्यम से हम नए भारत के निर्माण की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, जो हमारी प्रतिबद्धता है और हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता है। 2014 के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की राह पर तेजी के साथ बढ़ा है। जैसा अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि वर्ल्ड की इस समय फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यदि किसी कंट्री की है तो वह भारत की है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और हम अब धीरे धीरे वर्ल्ड की टॉप 3 कंट्रीज में, इकोनॉमी की साइज को लेकर वर्ल्ड की टॉप 3 कंट्रीज में आना चाहते हैं, यह हमारा संकल्प है। 2014 के पहले यूपीए के शासनकाल में ठप पड़े विकास को पुनः पटरी पर लाना यह हमारी सरकार के लिए बहुत चुनौती भरा काम था, परंतु हमारी सरकार ने इस चुनौती को स्वीकार किया और इस संबंध में हमने कामयाबी भी हासिल की। यहां तक हमारे प्रधानमंत्री जी का प्रश्न है और उनके नेतृत्व की सरकार, इन दोनों के प्रति मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देश की जनता का विश्वास भी बढ़ा है और विश्वास ही नहीं बढ़ा है बल्कि देश की जनता का भरोसा भी उनके प्रति बढ़ा है। इसमें भी कहीं दो मत नहीं है कि विकास का चक्का इस समय तेजी के साथ चलना प्रारंभ हुआ है। यहां आवश्यक हुआ है चेंजेज करने में भी रंच मात्र संकोच नहीं किया है। जहां तक देश की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न है, उसको सुनिश्चित करने के लिए हमने भरपूर प्रयत्न किया है और देशवासियों के मन में सुरक्षा का भाव भी पैदा करने में काफी हद तक
कामयाबी हासिल की है। यह सब करते हुए हमने एक रेस्पॉन्सिबल, एक सेंसिटिव और एक फर्म कन्विक्शन वाली सरकार की मिसाल देशवासियों के समक्ष प्रस्तुत की है। हमारी सरकार ने पीपुल पार्टिसिपेशन को गुड गवर्नेंस का एक महत्वपूर्ण अंग माना है। हमने पॉलिसी मेकिंग में भी लोगों की भागीदारी तय की है और इस संकल्प के निर्माण में भी जन भागीदारी को पूरी तरह से सुनिश्चित करने की भरपूर कोशिश की है। भारत के मन की बात को जानने के लिए हम लोगों ने एक लंबा कार्यक्रम चलाया है। हमने करोड़ों लोगों से संपर्क किया है और अलग अलग माध्यम से लाखों सुझाव भी हमको प्राप्त हुए हैं। लगभग 300 रथ, लगभग 7,700 सुझाव पेटियां और 110 से अधिक संवाद कार्यक्रम और 4,000 से अधिक भारत के मन की बात के कार्यक्रम यह संपन्न हुए हैं। इतना ही नहीं, हम लोगों ने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों के मन की बात को समझने की हम लोगों ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है। साथ ही विशेषज्ञों के साथ भी हमारे टीम के जो प्रमुख सदस्य थे उनका बैठना हुआ है, हम लोगों का भी उनके साथ बैठना हुआ है, उनके साथ भी हम लोगों ने परामर्श किया है। जहां तक इस संकल्प पत्र का प्रश्न है, हमारा संकल्प पत्र पिछले 5 वर्षों की उपलब्धियों को आधार मानकर अगले 5 साल में हम आगे ले जाने के लिए देश को हम अपना यह दृष्टि पत्र आज प्रस्तुत हम लोगों ने किया है। 130 करोड़ देशवासियों की आकांक्षा को पूरा करने वाला यह हमारा संकल्प पत्र है। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर जिस नए भारत के निर्माण के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, उसे दोहराते हुए यह संकल्प पत्र आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, आदरणीय अध्यक्ष जी के द्वारा देश को समर्पित किया गया है। मित्रों, मैं यह भी कहना चाहूंगा, जब भी चुनाव होते हैं बराबर घोषणा पत्र और तरह तरह के नामों से, मैंने मैनिफेस्टो हर राजनीतिक पार्टी के द्वारा जारी किया जाता है। इतने ही नहीं, चुनावों के द्वारा राजनीतिक पार्टी के नेताओं के द्वारा लोगों से तरह तरह के वादे किए जाते हैं। जो भी वादे नेताओं के द्वारा पहले किए गए, शायद वह आंशिक रूप से पूरे हो गए होते तो आज हमारा भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन गया होता, हमारा भारत दुनिया का धनवान देश बन गया होता। नेताओं की कृति और कथन, वर्ड्स और डीड्स, इनमें अंतर होने के कारण ही भारत में विश्वास का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पैदा हुई है। और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का बार बार आग्रह रहता है कि भारत की राजनीति में जो है क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पैदा हुई है, इसको भी हमें चुनौती के रूप में स्वीकार करना है। और मैं कह सकता हूं कि 2014 में जो हम लोगों ने घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस सरकार ने उसे पूरा करने की अपनी कई भरपूर कोशिश की है। जो कहा था उसे किया था, यानी क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को हम लोगों ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और हम उस पर विजय प्राप्त करने में भी कामयाब रहे हैं। मैं इस संकल्प पत्र के कुछ प्रमुख बिंदुओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। विस्तार में यदि मैं जाऊंगा तो लंबा समय लगेगा। जहां तक इस संकल्प पत्र का प्रश्न है, यह वेबसाइट पर अब लोड अपलोड हो चुका है, आप लोगों तक थोड़ी ही देर में पहुंच जाएगा या पहुंच गया होगा। राष्ट्रवाद के प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्धता है और इतना ही नहीं, आतंकवाद का जहां तक प्रश्न है, उसके प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी थी, है और जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा तब तक हमारी यह जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी आतंकवाद के प्रति रहेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके प्रति, इसको लागू करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता थी, है, इस काम को करेंगे। भारत में होने वाले इन्फिल्ट्रेशन, अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए जितनी भी शक्ति करनी होगी हम वो शक्ति करेंगे, लेकिन घुसपैठ को पूरी तरह से रोकेंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि बिल्कुल दो टूक शब्दों में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को हम संसद के दोनों सदनों से पास कराएंगे और उसे हम लागू करेंगे। लेकिन यह भी आश्वस्त करना चाहते हैं, हम
किसी भी राज्य की, चाहे कल्चरल हो अथवा लिंग्विस्टिक हो, आइडेंटिटी पर आंच नहीं आने देंगे। जो भी उनकी पहचान है उसकी पूरी तरह हम प्रिजर्व करेंगे उसे, और उसे हम पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। सब मिलाजुलाकर कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि देश की सुरक्षा के साथ हमारी सरकार किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगी। राम मंदिर का जहां तक प्रश्न है, पिछले चुनावी घोषणा पत्र में भी हम लोगों ने जो संकल्प किया था उसी संकल्प को हम दोहराते हैं। सभी संभावनाओं को तलाश करेंगे और हमारा यह प्रयत्न होगा कि जल्दी से जल्दी सौहार्दपूर्ण वातावरण में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाए। मैं यहां पर जो देश का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और सबसे बड़ा कंज्यूमर है, फार्मर, उसके बारे में कहना चाहूंगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने शासन की बागडोर संभालते ही कहा था कि हम 2022 आते आते किसानों की आमदनी दोगुना करेंगे। यह हम फिर से अपने उसी संकल्प को दोहरा रहे हैं और उस दिशा में हम 5 वर्षों में तेजी से आगे बढ़े हैं। घोषणा इस संकल्प पत्र में यह भी कहा है कि 1 लाख तक का जो क्रेडिट कार्ड पर लोन मिलता है, 1 लाख तक का क्रेडिट कार्ड पर जो लोन मिलता है उस पर 5 वर्षों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 0% होगा, 0% ब्याज दर पर 1 लाख का वो कर्ज लेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, हमारी यह धारणा है कि जब तक इस देश के किसानों का विकास नहीं होगा, जब तक इस देश के गांवों का विकास नहीं होगा, तब तक सचमुच हमारे देश के विकास का जो स्वप्न है वह साकार नहीं हो पाएगा। इसीलिए दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए हम लोगों ने फैसला किया है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, अध्यक्ष जी ने, 25 लाख करोड़ तक का ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर 5 वर्षों में खर्च करेंगे। 25 लाख करोड़। अभी हाल में ही एक किसान सम्मान निधि योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च की गई थी, यानी एक इनकम सपोर्ट था इस देश के किसानों के लिए, 6,000 रुपया प्रतिवर्ष, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है उनको दिया जाएगा। पहली किस्त जा चुकी है, दूसरी किस्त जाने वाली है, लेकिन मैं यहां प्रशंसा करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता को। जब इनके साथ इस संकल्प पत्र को तैयार करने के लिए बैठे थे तो इनके उन्होंने यह कहा प्रधानमंत्री जी ने कि मुझे कुछ अजीबोगरीब लगता है कि हम कोई भी लाभ यदि देना है तो केवल कुछ ही लोगों तक हम क्यों सीमित रखना चाहते हैं। 2 हेक्टेयर तक का ही किसान नहीं, बल्कि जो भी किसान होगा उस सभी किसानों को हम यह इनकम सपोर्ट 6,000 रुपये का देंगे, यह जो है उन्होंने कहा और उसको हम लोगों ने अपने संकल्प पत्र में शामिल किया है। सभी किसानों को यह किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा। बड़ी बात यह भी हम लोगों ने फैसला किया है, आजाद भारत के इतिहास में शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन की सुविधा भी देंगे। 60 वर्ष के बाद पेंशन की सुविधा भी देंगे। राष्ट्रीय व्यापारी आयोग, हमारे देश के व्यापारी समाज की बहुत लंबे अरसे से यह मांग चली आ रही थी। आयोग बहुत सारे बन गए लेकिन ट्रेडर्स का, बिजनेसमैन का, इनकी चिंता करने वाला अभी तक कोई आयोग नहीं बना। तो इस संकल्प पत्र में हम लोगों ने यह संकल्प लिया है कि हम राष्ट्रीय व्यापार आयोग बनाएंगे। और राष्ट्रीय व्यापार आयोग जो बनाएंगे इनएक्टिव यह आयोग नहीं होगा, बल्कि वेरी इफेक्टिव आयोग होगा। एक ऐसा हम राष्ट्रीय व्यापारी आयोग बनाएंगे। यदि हम लघु और सीमांत किसानों को पेंशन दे रहे हैं तो अपने देश के हम अपने व्यापारियों को नहीं छोड़ सकते। इसीलिए हम लोगों ने यह भी संकल्प पत्र में कहा है कि हम देश के छोटे दुकानदारों को भी पेंशन की सुविधा 60 वर्ष के बाद मुहैया कराएंगे। समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ इस देश का होना चाहिए, यह हम सबकी चाहत है। समाज के सभी वर्ग, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे महिला हो, दिव्यांग हो, कोई छूटे ना, सबका विकास होना चाहिए। यह इसका पूरा संकल्प हम लोगों ने अपने संकल्प पत्र में लिया है और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो हमारा संकल्प पत्र है उसके डिटेल में, उसके विस्तार में जाएं तो सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगे। एक संकट, और संकट ही नहीं बल्कि मैं इसे देश की एक चुनौती भी मानता हूं जो समय समय पर पैदा हुआ है, रीजनल डेवलपमेंट को लेकर रीजनल इंबैलेंस,
क्षत्रिय संतुलन। हम लोगों ने यह तय किया है कि भारत के अंदर जो रीजनल इंबैलेंस है उसको हम समाप्त करके ही दम लेंगे। और मैं प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं, जब से आपने प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है बराबर आपने इसकी चर्चा की है और क्षत्रिय असंतुलन को कम करने के लिए धीरे धीरे उसे पूरे समाप्त करने के लिए आपने कई प्रभावी कदम भी उठाए हैं। एक और आपको याद दिलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था चुनाव को लेकर इस देश को बहुत बड़े खर्च का वहन करना पड़ता है, बहुत बड़े खर्च की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। पैसा किसका खर्च होता है? जो हमारे देश के आम नागरिकों की जेब से पैसा आता है करों के रूप में, वही खर्च होता है। कोई भी संवेदनशील प्रधानमंत्री होगा स्वाभाविक रूप से उसके मन के अंदर यह भाव पैदा होगा। तो प्रधानमंत्री जी ने उसी समय कहा, देश की जनता का आह्वान किया था, इस पर बहस होनी चाहिए कि देश में सारे चुनाव साथ हों, हर महीने चुनाव नहीं होने चाहिए। तो यह भी हम लोगों ने यह संकल्प इसमें लिया है कि हम इस पर बहस करेंगे और इस पर कंसेंसस बनाएंगे, यह भी हम लोगों का संकल्प है। गुड गवर्नेंस का जहां तक प्रश्न है, गुड गवर्नेंस के बारे में मैं समझता हूं कि कोई बहुत लंबी चौड़ी बात करने की आवश्यकता नहीं है, यह सभी स्वीकार करते हैं। यहां पर हमने बहुत सारे स्ट्रक्चरल और प्रोसीजरल रिफॉर्म्स किए हैं, वहीं पर सिस्टम में भी काफी चेंजेज लाए हैं। उदाहरण तो हमारे पास कई हैं, लेकिन मैं एक का उदाहरण देना चाहता हूं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम से जो सहायता, चाहे वो विडो पेंशन हो, ओल्ड एज पेंशन हो, चाहे वो कोई सब्सिडी हो, यह पहले मिडिल मैन के माध्यम से जो लोगों के द्वारा पहुंचती थी, अब वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम के माध्यम से पहुंचना प्रारंभ हुई है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि हम लोगों ने 1,10,000 करोड़ रुपए की बचत की है। सिस्टम में चेंज लाने का यह लाभ होता है, प्रोसीजर्स में चेंज लाने का इतना बड़ा यह लाभ होता है। मजबूत करेंगे, हमारे केंद्र राज्य सरकारों के संबंध बहुत ही बेहतर हों, प्रगाढ़ हों, हम उसको और अधिक मजबूत करने के लिए जो भी आवश्यक होगा कदम उठाएंगे। मैं मित्रों यहां बहुत ही संक्षेप में एक और चर्चा करना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है बार बार कि 2022 तक हम नए भारत का निर्माण करेंगे जब आजादी के 75 वर्ष पूरे होंगे। तो उसको पूरा करने के लिए हम क्या क्या करने वाले हैं, तो ऐसे हमने लगभग 75 स्टेप्स, 75 कदम तय किए। मैं उनमें से सारे पॉइंट्स की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन कुछ सैलिएंट पॉइंट्स कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करेंगे और 60 वर्ष की आयु के उपरांत सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए छोटे और सीमांत किसान हेतु पेंशन योजना, इसकी मैंने चर्चा कर दी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सभी सिंचाई परियोजनाएं पूरी करने की दिशा में काम करेंगे, क्योंकि 20 साल 25 साल 30 साल से इरिगेशन के बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है लंबित पड़े हुए हैं, उन्हें पूरा करेंगे। और मूलधन के सामान्य पर भुगतान की शर्त पर 0% ब्याज दर पर 1 से 5 वर्ष के लिए 1,00,000 रुपए तक की का हम कृषि ऋण देंगे, इसकी भी चर्चा की है मैंने। और लैंड रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन करेंगे, उसका जो है हम डिजिटीकरण करेंगे। युवाओं के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में कई कदम हैं, लेकिन दो की मैं यहां चर्चा करना चाहूंगा। उत्कृष्ट प्रबंधन संस्थाओं में सीटों की संख्या बढ़ाने के दिशा में भी हम काम करेंगे, हम सीटों की संख्या मैनेजमेंट की जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उसमें बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। जो हमारे एक्सलेंट हमारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन हैं उनमें भी हम सीटों के नंबर को बढ़ाएंगे, एक्सलेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो संस्थाएं हैं इंजीनियरिंग की उनमें भी हम बढ़ाएंगे। और इतना ही नहीं, लॉ से जुड़े जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, लॉ कॉलेजेस हैं, उनमें भी सीटों को बढ़ाने की दिशा में हम कदम उठाएंगे। बुनियादी ढांचा माने एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए प्रत्येक परिवार के लिए पक्का मकान, जिसको कि अध्यक्ष जी ने भी कहा है, अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर
लेकिन अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम सभी गरीब परिवारों के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर मुहैया कराएंगे तो हम इस लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेंगे। सभी घरों का 100% विद्युतीकरण, पावर इन एवरी विलेज, पावर फॉर ऑल, यही लक्ष्य रखकर हमारी यह सरकार मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। प्रत्येक घर में शौचालय, 98% घरों में इस लक्ष्य को हमने हासिल किया है। सभी घरों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, यह भी हम करेंगे। सभी घरों में स्वच्छ जल पीने के लिए मिले, पीने का पानी मिलना चाहिए। नेशनल हाईवेज, नेशनल हाईवेज का काम बहुत अच्छा हुआ है। नेशनल हाईवेज की लंबाई है जितनी, उसको हम 2 गुना करेंगे, जस्ट डबल करेंगे। हम इस लक्ष्य के साथ अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। और शहरों और गांवों में ओडीएफ प्लस और ओडीएफ 2+ दर्जा प्राप्त करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 100% कचरा संग्रह सुनिश्चित करेंगे, वेस्ट मैनेजमेंट। 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। रेलवे की दृष्टि से 2022 तक सभी जितने भी रेल पटरियां हैं, कोशिश यही होगी कि लगभग अधिकांश रेल पटरियों का ब्रॉड गेज में परिवर्तन हो जाए। 2020 तक यह भी हम लोगों की कोशिश होगी कि सभी रेल पटरियों का इलेक्ट्रिफिकेशन, विद्युतीकरण वह पूरा हो जाए। हेल्थ की दृष्टि से आयुष्मान भारत के अंतर्गत 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे, यह तिल काम चल रहा है। 75 नए मेडिकल कॉलेजेस और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेजेस की भी स्थापना की जाएगी। और गरीबों के लिए उनके दरवाजे पर ही गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक चिकित्सा सेवा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों पर टेलीमेडिसिन एवं डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी उपलब्ध कराने का भी हम लोगों ने लक्ष्य सामने रखा है। ट्रेंड डॉक्टर और जनसंख्या का अनुपात आज बहुत अधिक है, डॉक्टर की संख्या हमारे कम है। पूरी कोशिश हम लोगों की होगी ट्रेंड डॉक्टर और जनसंख्या के बीच का रेशियो कम से कम 1:1400 1:1400 हो जाए, यह हमारी यह पूरी कोशिश होगी। पोषण अभियान के अंतर्गत कुपोषण का स्तर घटाने के लिए और कुपोषण में कमी का दर तेज करने का भी लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया है। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, इसका जहां तक प्रश्न है, यह बताने की आवश्यक नहीं है, सारा देश अब इसमें परिचित है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत की रैंक और भी बेहतर बनाने का काम करेंगे, और भी बेहतर। अभी मैं बोल नहीं रहा हूं कि टॉप 20 में रहेंगे, कहां रहेंगे, लेकिन यह हमारा लक्ष्य है। अभी तक निर्यात, एक्सपोर्ट, उसको 2 गुना करने की दिशा में हमारा यह अब प्रयत्न होगा। और सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योगों के लिए एक खिड़की अनुपालना एवं विवाद समाधान प्रणाली तैयार करने की दिशा में काम करेंगे। यानी हमारे एमएसएमई के जो उद्योग समस्याओं का समाधान हो, यह हम पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगे। स्थिर कर प्रणाली सुनिश्चित करने की दिशा में भी कार्य करेंगे। गुड गवर्नेंस की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलोमीटर के भीतर बैंकिंग सेवा उपलब्ध हो, इसे हम इंश्योर करेंगे। अदालतों का भी डिजिटाइजेशन का सिलसिला चल रहा है, हम इसको डिजिटाइज भी करने की कोशिश करेंगे और इसे मॉडर्नाइज भी करने की कोशिश करेंगे। डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल लेन देन को भी हम बढ़ावा देंगे। और जहां तक सरकारी प्रक्रियाओं का प्रश्न है, उसे पूरी तरह से डिजिटल बनाएंगे। इंक्लूसिव ग्रोथ, सभी बच्चों का टीकाकरण इस काम को हुआ है, और सभी सरकारी इमारतों को सुगम बनाने का भी प्रयास करेंगे। हर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, हम 6 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों के निर्माण का कार्य हम पूर्ण करेंगे, आदिवासियों के लिए जो उनके स्वतंत्रता सेनानी हैं। पंच तीर्थ सर्किट का विकास पूरा करने की दिशा में हम काम करेंगे। जैन समाज, छोटे दुकानदारों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में सम्मिलित करेंगे।
और सभी असंगठित मजदूरों के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवरेज के साथ बीमा, पेंशन आदि यह सब सुनिश्चित करेंगे। महिलाओं के लिए महिला कार्यबल भागीदारी दर बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। वैसे हमारे यहां महिलाओं का पार्टिसिपेशन, अन्य सर्विसेज की बात छोड़ दीजिए, हमारी फोर्सेज में भी बढ़ा है, काफी बढ़ा है, इसे और अधिक आगे बढ़ाएंगे। तीन तलाक के विरुद्ध कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं के लिए हम न्याय सुनिश्चित करेंगे। सांस्कृतिक धरोहर 2022 तक स्वच्छ गंगा का लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे। स्वदेश दर्शन प्रसाद और हृदय योजना के अंतर्गत सभी परियोजनाओं को के कार्य को तीव्रता से पूरा करेंगे। सभी राष्ट्रीय संग्रहालयों के संग्रहों का डिजिटाइजेशन करेंगे। मित्रों, यह सब जो प्रमुख हमारे विजन डॉक्यूमेंट के बिंदु थे, पॉइंट्स थे, उस ओर मैंने आप सबका ध्यान आकर्षित किया है। और मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूं कि हमारी सरकार का जहां तक प्रश्न है, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, जैसा मैंने पहले कहा, जन सामान्य का भरोसा और विश्वास बढ़ा है। इसलिए हम जो कहा है हमने, उसे हम करके ही दम लेंगे। इसी संकल्प के साथ हम यह संकल्प पत्र देशवासियों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।